हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ नमस्ते डीएसए के एपिसोड 3 में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार हम लोग दो एल्गोरिदम में कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है ये पता कर सकते हैं, साथ ही साथ दोनों एल्गोरिदम का हाईएस्ट ग्रोइंग फैक्टर हम लोग किस प्रकार निकालते हैं ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में। आखिर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती क्या है और कौन कौन से नोटेशंस हम लोग यूज करते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना और एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों, एसिम्प्टोटिक नोटेशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो एल्गोरिदम्स लिए हैं। उन दोनों एल्गोरिदम्स की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कौन कौन सी होती है और आखिर उनका यूज क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट एल्गोरिदम दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सम की वैल्यू 0 ली है और हम लोग क्या कर रहे हैं तो एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं और सम में उसकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम कौन सा वाला एल्गोरिदम है, तो ये एल्गोरिदम है सम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सम ऑफ एलिमेंट इन एन एरे, ठीक है, इसका एल्गोरिदम है। तो एरे में जो भी एलिमेंट है उनकी अगर सम हमें प्रिंट करनी है तो हमें पूरा एरे को ट्रैवर्स करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा ये वाला लूप है वो एन टाइम चलने वाला है, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि हमें पूरे जो एन एलिमेंट है, मान लो हमारे एरे में अगर 4 एलिमेंट है तो ये जो लूप है वो 4 टाइम चलेगा। अगर हमारे एरे में मान लो 10 एलिमेंट है तो ये लूप भी 10 टाइम चलने वाला है। तो दोस्तों, ये एन पे डिपेंडेंट वाला एल्गोरिदम है, ठीक है, हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये लीनियर टाइम लेगा, जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इसका टाइम भी बढ़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, जब मैं यहाँ पे दूसरा एल्गोरिदम आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको वो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं दूसरे एल्गोरिदम की तरफ और यहाँ पे हम लोग देखने वाला है कि दोस्तों आखिर बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस क्या होता है, ठीक है, वही बात मैं ये वाले एल्गोरिदम में बाद में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें एरे दिया है और एरे की साइज दी है, ठीक है, ये जो एन है ये क्या है तो एरे की साइज है, ठीक है, एरे की साइज है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखो नोट करने वाली बात क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो n मॉड्यूलस 2, देखो यहाँ पे मॉड्यूलस वाला जो ऑपरेटर होता है हमारा वो क्या करता है तो रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, हमने c अच्छे से कवर करी है तो उसमें आपको ये वाले स्टेटमेंट में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इफ n मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, अगर हमारा मॉड्यूलस इक्वल टू 0 आता है इसका मतलब नंबर क्या होता है, अगर 0 आता है तो इसका मतलब वो नंबर इवन होता है, ठीक है, और अगर मॉड्यूलस 0 के इक्वल नहीं आता मतलब क्या होता है तो वो नंबर ऑड होता है। तो सिंपली देखो, एरे के जितने भी एलिमेंट है हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अगर नंबर ऑड है, ठीक है, नंबर अगर ऑड है तो हम लोग सिंपली रिटर्न 0 कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न कर रहे हैं, और अगर नंबर इवन है तो हम लोग उसकी सम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, पिछला वाला ही एल्गोरिदम है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली मैंने ऊपर ये जो स्टेटमेंट है ये वाला ब्लॉक एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है, ऑड इवन के लिए, अगर नंबर ऑड है तो हम लोग क्या कर रहे हैं तो सिंपली रिटर्न कर रहे हैं, और अगर नंबर इवन है तो वो सम में ऐड हो रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, ये वाला जो है ये कांस्टेंट वर्क कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये जो वर्क है ये कांस्टेंट वर्क कर रहा है और ये जो है एन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म एन वाला है। अब बात करते हैं हम लोग बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस के बारे में। तो दोस्तों, ये वाला एल्गोरिदम बेस्ट एल्गोरिदम यानी कांस्टेंट टाइम में कब वर्क करेगा, जब एरे के सारे एलिमेंट ऑड होंगे, ठीक है, कब करेगा तो जब एरे के सारे एलिमेंट ऑड होंगे। देखो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, अगर देखो हमारे एरे के सारे एलिमेंट अगर ऑड होंगे तो वो सिंपली रिटर्न 0 करेगा, यानी क्या करेगा, वो सिंपली कांस्टेंट वर्क करेगा, ठीक है, वो एन वाले लूप में जाएगा ही नहीं, इसलिए वो कांस्टेंट वर्क करेगा। इसलिए हमारा बेस्ट केस कब होगा, जब एरे के सारे एलिमेंट अगर ऑड होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वर्स्ट केस के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों, वर्स्ट केस कब होगा, जब एरे के सारे एलिमेंट इवन हो गए, जब एरे के सारे एलिमेंट इवन हो गए तो ये वाले लूप में जाएगा ही नहीं, सीधा उसे ये एन वाला लूप ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, एन टाइम्स ये लूप चलेगा। तो दोस्तों, अगर ये लूप एन टाइम चलेगा तो तब उसका टाइम कितना लगेगा, लीनियर टाइम लगेगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एन टाइम वो लूप चलेगा, ठीक है, अगर एन की वैल्यू 10 है तो 10 टाइम चलेगा,
इलेमेंट अगर 11 है तो 11 टाइम चलेगा, अगर 25 इलेमेंट्स है, सारे इवन है तो 25 टाइम चलेगा। अब दोस्तों हमने बात कर ली बेस्ट केस के बारे में, वर्स्ट केस के बारे में। अब दोस्तों आप लोग बोलोगे कि भाई एवरेज केस कब आता है, तो दोस्तों हम लोग नाम से ही समझ सकते हैं एवरेज केस कब आएगा। देखो अगर आधे एलिमेंट जो है अगर वो इवन है और आधे एलिमेंट जो है ऑड है, जब आधे एलिमेंट इवन हो गए तो ये वाले लूप में जाएंगे, ठीक है। तो ये लूप कितने टाइम चलेगा, सिंस आधे एलिमेंट ही इवन है तो ये लूप चलेगा n/2 टाइम्स, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे देखो ऑड भी आधे नंबर है, तो ये ऊपर वाला लूप जो मैंने लिखा है ये वाला कॉन्स्टेंट वाला भी चलेगा आधे टाइम। तो देखो मैं c/2 लिखू या उसे कॉन्स्टेंट लिखू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिंस ये कांस्टेंट है। तो देखो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में क्या करते हैं, तो सिंपली कांस्टेंट को हटा देते हैं। यहाँ पे भी देखो जो 1/2 × n, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ऊपर वाले को, और देखो ये भी एक कांस्टेंट है, मैंने इसे भी हटा दिया। तो ये भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितने आएगी, तो एन पे डिपेंडेंट आएगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने एल्गोरिदम लिखा है, इसकी बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अगर बेस्ट केस होगा यानी सारे एलिमेंट अगर ऑड होंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो टाइम लगेगा एल्गोरिदम को रन होने में वो कांस्टेंट लगेगा। अगर सारे एलिमेंट इवन हो गए तो जितने एलिमेंट है उतना टाइम लगेगा, यानी कि वो एन एन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। और जब हमारा एवरेज केस होगा तभी भी हमारा जो एल्गोरिदम है वो एन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग निकालते हैं बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। समझ में आई बात। अब देखो ये जो मैंने पिछला वाला एल्गोरिदम दिया था, यहाँ पे देखो दोस्तों बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस यहाँ पे हम लोग नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, तो दोस्तों हमें जो एरे है, एरे उसकी सम प्रिंट करनी है, ठीक है। मान लो 1, 2, 3, 5, 10 ये एरे के एलिमेंट है, तो दोस्तों मुझे इनकी सम फाइंड करनी है। सम फाइंड करने के लिए मुझे जरूरी बात क्या है, तो मुझे पूरे एलिमेंट ट्रैवर्स करने ही पड़ेंगे, यानी ये लूप एंड टाइम चलने ही वाला है। तो दोस्तों ये वाले एल्गोरिदम में बेस्ट, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस ऐसे कुछ नहीं होता, हमें पूरा ये लूप चलाना ही पड़ता है। बहुत सारे एल्गोरिदम्स है जिनका बेस्ट केस में, वर्स्ट केस है और एवरेज केस में सेम ही टाइम लगता है, ठीक है। आपको अगर एरे में मैक्सिमम या फिर मिनिमम एलिमेंट निकालना हो तभी भी हमें पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ता है, तभी भी हमारी जो बेस्ट, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी सेम ही आती है। तो दोस्तों हम लोग 2 दिन से सुन रहे हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, आखिर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती है ये हम लोग अभी देखेंगे। तो दोस्तों हमारे पास 3 नोटेशंस होती है किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिनोट करने के लिए। अब आप लोग बोलोगे कि भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, तो दोस्तों किसी भी एल्गोरिदम को रन होने में जितना स्पेस लगता है उसे हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको पता है कि किसी भी एल्गोरिदम को रन होने में कितना टाइम लगता है, तो उसे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हमारे पास जो है 3 टाइप की नोटेशंस होते हैं, एक होता है बिगो नोटेशन, एक होता है थीटा नोटेशन, एक होता है ओमेगा नोटेशन। तो दोस्तों आपने बहुत बार कौन सी भी साइट ओपन की होगी वहां पे अगर एल्गोरिदम लिखा है तो उसके नीचे कुछ इस प्रकार लिखा होता है बिगो ऑफ एन, या फिर ऐसे लिखा होता है बिगो ऑफ एन लॉग एन। तो दोस्तों ये आखिर होता क्या है, ये ओ हम लोग क्यों लिखते हैं। दोस्तों ये जो बिग ओ है इसे हम लोग कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, और ये होता क्या है, तो दोस्तों देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट एग्जैक्ट बाउंड और अपर बाउंड। तो दोस्तों किसी भी एल्गोरिदम को ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे बोला था कि जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, ये जो मैंने एन लिखा है यहाँ पे जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो हमने पिछला वाला एल्गोरिदम लिखा था उसकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम लोग ऑर्डर ऑफ एन से डिनोट कर सकते हैं। वो क्या करता है, तो देखो एक तो एग्जैक्ट बाउंड बताता है, या फिर वो बताता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, या फिर अपर बाउंड, ठीक है। दोस्तों इससे हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिनोट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि दोस्तों हम लोग जो बिगो नोटेशन है ये वाला, ये हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं एग्जाम्पल दू, अगर आप कोई कंपनी के इंटरव्यू में गए, ठीक है, आपने कुछ एल्गोरिदम बनाया होगा और इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई आपकी एल्गोरिदम की मुझे कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, बेस्ट केस और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ,
तो दोस्तों अगर आपने बोला कि भाई मेरा जो एल्गोरिदम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मान लो सिर्फ 0.1 सेकेंड लेता है रन होने में, और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 3 सेकेंड को, तो इंटरव्यूअर जो है आपको लात मार के बाहर निकालने वाला है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जब कंसिडर करते हैं, हमारे रियल वर्ल्ड में जब कंसिडर करते हैं तो हम लोग वर्स्ट केस कंसिडर करते हैं, ठीक है, हमारे जो एल्गोरिदम है उसकी वर्स्ट केस कंसिडर करते हैं। मान लो दूसरा अगर आपके साथ कोई आपका दोस्त गया, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 0.5 सेकेंड है और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 सेकेंड है, तो उसके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों हम लोग कंसिडर करते हैं वर्स्ट केस को, ठीक है। हमारा काम कभी भी बेस्ट केस पे नहीं होता, ठीक है। आप लोग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ इसे रिलेट कर सकते हो। मान लो आपको कहीं पे ट्रैवलिंग में जाना है, तो आप घर से निकलते हो, तब आप जैसे ही घर से निकलते हो तब आपको कभी रिक्शा मिलता है? नहीं मिलता, आपको वेट करना पड़ता है। जैसे ही आप लोग स्टेशन पे पहुंचते हो आपको कभी भी बस नहीं मिलती, कभी भी ट्रेन नहीं मिलती, आपको वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों हम लोग जो है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। बेस्ट केस आपका कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर वर्स्ट केस घटिया है तो आपका एल्गोरिदम घटिया है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि आपको वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी रखनी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर उससे ही कंसिडर करते हैं। अगर आपने कोई भी कोडिंग साइट या फिर किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी होगी तो आप लोगों ने ये ऑर्डर ऑफ एन या फिर ये जो बिग ओ नोटेशन में ज़्यादातर दिखा होगा, क्योंकि हम लोग ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब दोस्तों आप अगर इंटरव्यू में गए ना, तो आपने कोई भी एल्गोरिदम लिखा ना, तो ऐसा सवाल पूछने वाला है कि भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, तब आपको उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं थीटा के बारे में, ठीक है। हमने अभी देखा बिगो नोटेशन क्या होता है, अब दोस्तों थेटा नोटेशन क्या होता है, तो हम लोग एग्जैक्ट बाउंड बताते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट बाउंड हम लोग बताते हैं। तो दोस्तों मुझे अगर पता होगा कि ये एल्गोरिदम एंड टाइम ही चलने वाला है, ठीक है, फिक्स एकदम एंड टाइम चलने वाला है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ थीटा, ठीक है। तो दोस्तों थीटा नोटेशन है वो हम लोग एग्जैक्ट बाउंड के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि ये एल्गोरिदम फिक्स एंड टाइम चलने वाला है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो थीटा ऑफ एन है। दोस्तों बिगो नोटेशन और ओमेगा नोटेशन है ये थोड़े से लूज वाले हैं। लूज में क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो, क्योंकि दोस्तों बिगो नोटेशन क्या बताता है, एक तो एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, एग्जैक्ट बाउंड बताता है, या फिर अपर वैल्यू बताता है, ठीक है। सिमिलरली ओमेगा क्या करता है, या तो एग्जैक्ट वैल्यू बताता है या फिर लोअर वैल्यू बताता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो थीटा है वो क्या करता है, देखो, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि ये एल्गोरिदम एग्जैक्ट इतनी बार चलता है, तो आप लोग उसे थीटा में रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जैक्ट बाउंड बताता है, ठीक है। बिगो क्या करता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, बिगो जो है वो क्या करता है, एग्जैक्ट या फिर अपर बाउंड, एग्जैक्ट या फिर अपर बाउंड बताता है। जो हमारा थीटा है वो क्या करता है, एग्जैक्ट बाउंड बताता है, ठीक है। और जो हमारा ओमेगा है, ठीक है, वो क्या करता है, या तो एग्जैक्ट बताता है या फिर लोअर बाउंड बताता है। तो दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि अगर हमें पता है तो हम लोग थीटा नोटेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग बिगो नोटेशन को प्रेफर करते हैं। बिगो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा को हम लोग कैसे करते हैं, तो देखो ये थीटा है, और ओमेगा को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सिंपल आपने 11th 12th में पढ़ा ही है, तो मैं सिंपली आपको बता दिया, इस प्रकार हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ओमेगा क्या करता है, तो एग्जैक्ट बाउंड या फिर लोअर बाउंड। बिगो क्या करता है, एग्जैक्ट बाउंड या फिर अपर बाउंड। और थीटा क्या करता है, एग्जैक्ट बाउंड बता देता है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्विज दूंगा, अब बारी आ चुकी है उस क्विज की। आपको क्या करना है, तो सिंपली उसे सॉल्व करना है, उसका जो आंसर आएगा नीचे कमेंट करना है, मैं आपको जरूर अप्रिशिएट करूंगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का है, व्हाट इज द बेस्ट केस वर्स्ट केस एंड एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था ये वाले एल्गोरिदम की, ठीक है। यहाँ पे हमने बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस देखी थी क्या होती है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे यही बताना है। तो दोस्तों आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे आपको एल्गोरिदम के बारे में बता भी देता हूँ, तो इसे हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं जब हम लोग सर्चिंग पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वाला, ये जो एल्गोरिदम है ये सर्चिंग का एल्गोरिदम है, लीनियर सर्च जिसे हम लोग बोलते हैं, ये वाला एल्गोरिदम है। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, ये वाले एल्गोरिदम की बेस्ट केस क्या होगी, वर्स्ट केस क्या होगी और एवरेज केस क्या होगी, ये मुझे बताना है। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे ये वाले एल्गोरिदम के बारे में बताया कि अगर सारे एलिमेंट अगर ऑड है तो हमें बेस्ट केस मिलने वाली है, सारे एलिमेंट अगर इवन है तो हमारी वर्स्ट केस हो जाएगी, और यहाँ पे एवरेज केस कब होगी, जब दोनों सेम सेम है, यहाँ पे इवन आधे है और ऑड आधे है। सिमिलरली आपको यहाँ पे बताना है बेस्ट
वर्स्ट और एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट जरूर करना, मैं आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि जल्दी से हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लाने वाले हैं दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।